और आज जो है हमारा पार्ट टू है, और अभी अभी हम उठे हैं और हमारी अम्मी जो है अभी हम फ्रेश नहीं हैं, ये दूध गए अभी फ्रेश नहीं हुए, अभी हम हमारी अम्मी गई हैं अभी सहरी बनाने, और अभी हम जो है क्या कहते हैं रेडी होंगे और रूम से मिलेंगे। चलने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स अभी हम रेडी हो चुके हैं, पूरा बेड से मिलने वाले, बहुत टाइम लगने वाले, चले फ्रेंड्स अभी हम बेड से मिलेंगे। शहरी में खाने का क्या क्या सामान है, चले अब हम आपको शहरी दिखाते हैं। चलो अभी इंट्रोड्यूस करवा दो सारी चीज, सारी में चीजें। हमारे पास है दही, ऑमलेट, चीज ऑमलेट ना, चीज ऑमलेट, पराठे और चाय और फ्राई एग और कीमा, और ये रोटी भी एक है। सो फ्रेंड्स ये हमारी सारी है, बहुत यम्मी है सारी, तो अभी हम दोनों सही कर रहे हैं, मेरा चीज ऑमलेट और पराठे है, भैया का भी चीज ऑमलेट और ये है, और अभी हमारे दही ये, अभी हमारी ये चाय भी रखी है, बहुत है। फ्रेंड्स अभी हमने जो है सैरी कर ली है, और हमने जो सैरी कर ली है और अभी हम फारिक बैठे हैं, और जैसे हमारे दिमाग में कोई प्लान आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने जो है नमाज पढ़ ली है और अब हम जो है सोने वाले हैं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। अभी हमें वैसे भी बहुत सारे स्वीट आने वाले हैं। चलो भैया फ्रेंड्स अभी हम उठ चुके हैं और अब हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रेश हैं, सब कुछ गए हैं, सब कुछ हो गया और अब हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारे न्यू बैग आ रहे हैं, क्योंकि अभी सेशन खत्म हो चुका है, अभी घर छुट्टियां चल रही है, तो हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम जब जाए तो हमें मुश्किल बिल्कुल ना, आप भी प्रैक्टिस करके रखना एग्जाम्स के बाद, ताकि आप अगले जब क्लास में जाओ इतने बड़े गैप के बाद तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी।
भी है कि मतलब फरमाइश करी थी कि वो अफ्तारी से तंग हो गए, तो हमें उनको नॉर्मल फूड चाहिए जो हम डेली खाते हैं। तो हमारी मम्मी ने ये दाल चावल बनाए हैं और ये चिकन है, स्टीम चिकन है ये, और हमारे नेबर से बिरयानी आई है और ये सैलेड, थोड़ा सा सैलेड गिर गया था तो फिर जो इतना सैलेड बचा है, और ये हमारा शरबत है ना, फ्रू अफजा, और ये हमारी मम्मी की ये ड्रिंक है, और ये फ्रेंड्स हमारी छोटी सी अफ्तारी है। तो फ्रेंड्स अब हम जल्दी जल्दी से अफ्तारी करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेली रूटीन ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।